खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एनसीसी कर्नल इस बुधवार दिल्ली से पदयात्रा कर लखनऊ पहुंचेंगे, जहां एनसीसी कर्नल बुधवार का मुरादाबाद के नियामतपुर इकरोचिया टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा कर्मचारियों ने फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया। और एनसीसी कर्नल एस बुधवार ने मीडिया से बात करने पर बताया कि ये तिरंगा पदयात्रा युवाओं को देश प्रेम के लिए उत्साहित करेगी। सभी युवाओं को अपने देश के प्रति कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं जो है 90 यूपी एनसीसी बटालियन बलिया से मैं आया था दिल्ली, और वहाँ से फिर दिल्ली से हमने दौड़ना शुरू किया था। तो मैं इंडियन आर्मी से ताल्लुका रखता हूँ, मैं सर्विंग अफसर हूँ। और मैं अपनी छुट्टी के दौरान जो है, आप लोग बता रहे हो कि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, अपने खर्चे पर और छुट्टी के दौरान दौड़ रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन घुमा रहा है। एनसीसी का पूरा सपोर्ट है, इंडियन आर्मी का मेरे को पूरा सपोर्ट है, नेशनल हाईवे वन जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग इसका पूरा सपोर्ट है। वहाँ से मेरे को जनरल वीके साहब, हमारे राजपूत के जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज साहब, और डीजी एनसीसी डायरेक्टर जनरल जो एनसीसी के हैं, वो उन्होंने मुझे फ्लैग ऑफ किया था। और तीनों ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपकी स्टेट पुलिस, सब ने मेरे को पूरा जो है यहाँ तक एनसीसी के कैडेट्स वगैरह फुल सहयोग दिया है, फुल मुझे सेफ्टी दी है, और उन्हीं की वजह से मैं अभी तक चल रहा हूँ। और प्रेस जो है बिल्कुल अच्छे से कवर करे, मैसेज आपकी तरफ से अच्छा जाना चाहिए कि हम जो युवा हैं वो इतने, मतलब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो किसी न किसी वजह से दब जाते हैं। आपको बता दें कि एनसीसी कर्नल को उत्तर प्रदेश पुलिस फौजी और टूल कर्मचारियों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जिसको लेकर यूपी सरकार का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। जनहित टाइम्स के लिए मुरादाबाद से नक्शे अहमद की रिपोर्ट।